नमस्कार, मेरा नाम है ब्रास कैमरामैन गंगुतेली के साथ। आज सुबह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए 2 पीस में उतरी और अचानक उसके 20 पीसेस हो गए। यहाँ के मछुआरों का कहना है कि उसे शार्क मछली खा गई। तो ये न्यूज लाइव सबसे पहले आपको हमारे चैनल बीसीबी न्यूज पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, यही वो बोट थी जिसमें आलिया पांडे समुद्र में स्कूबा डाइविंग के लिए गई। इसी बर्तन में उन्होंने आखिरी बार खाना खाया था, इसी टॉयलेट में आखिरी बार पुपू किया था। ये उन्हीं की लैंडी है। और ये देखिए हमारे चैनल पे पहली बार, ये वही जगह है जहां उस पे शार्क ने हमला किया था। आप देख सकते हैं ये वही शार्क है जो आलिया पांडे को खा गई। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये शार्क बड़ी होती जा रही है। यार गंगुतेली, शार्क क्यों बड़ी हो रही है? ये वही नुकीले दांत है जिसने आलिया पांडे को चबाया। ये देखिए, पहली बार हमारे चैनल पे लाइव हम आपको दिखाएंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें आलिया पांडे नर्क में आने के बाद उसे उबाला गया। ये देखिए, ये वही शैतान है। सर कैमरे को हाय बोलिए। हेलो, बात का बतंगड़ बनाना हमारा काम। नमस्कार, मैं रिपोर्टर नल्लूराम। आज सुबह सामने वाले होटल 5 स्टार में हुआ आतंकवादी हमला और हमें एक आई विटनेस मिल चुका है जिसने ये हमला होते हुए अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो रमेश जी, आपका नाम बताइए हमारी जनता को। जी रमेश। तो क्या हुआ, विस्तार से बताइए। जी वो मैं मार्केट धनिया लेने जा रहा था, फिर मुझे गोलियों की आवाज आई, फिर मैं छुप गया। वो दीपिका के हाथ में बंदूक। क्या आपने अभी दीपिका बोला? जी हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, आतंकवादियों में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका भी शामिल थी। अरे क्या मकसद हो सकता है इस हमले के पीछे? क्या ये हमला रणवीर ने करवाया? क्या नेपोटिज्म का बादशाह चरण जौहर इसमें शामिल है? अरे बात तो सुनो। एक मिनट, हमारी संवाददाता रजनी जुड़ चुकी है लाइव सीधा दीपिका के घर के सामने से। रजनी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो ये देखिए, मैं अभी दीपिका के घर के सामने खड़ी हूँ और आप साफ साफ देख सकते हैं कि दीपिका के घर के बालकनी में रणवीर सिंह का कच्चा सूख रहा है। आखिरकार रणवीर सिंह का कच्चा दीपिका के घर में कैसे आया? मैडम, दोनों की शादी हो गई है। अब मेरा मतलब है कि ये देखिए वो आतंकवादी कच्चा, इसी कच्चे को पहन के कल रात को इन्होंने हमले का प्लान बनाया। हाँ तो रमेश जी, क्या आपने हमले में किसी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखा? अबे वो दीपिका के हाथ में बंदूक वाले पोस्टर के नीचे खड़ा होके देख रहा था मैं। पूरी बात तो सुन लिया करो। तो व्यूवर्स, अभी हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए, हमारी एड्स देखिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ डिबेट करेगी कंगना जी। नमस्कार, मैं परशुराम और मैं लाइव बात कर रहा हूँ आपसे नॉर्थ अमेरिका से, जहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल नायगरा फॉल। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह ही हमारी टीम नायगरा फॉल पहुंची और मेरे पीछे आप देख सकते हो नायगरा फॉल कैसे बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंकल खत्म हो गया। नायगरा फॉल खत्म हो गया? अबे ये ग्रीन स्क्रीन किसने हटाया? पहले भाड़ा भरो। अबे लाइव न्यूज चालू था यार, देता हूँ ना भाड़ा, क्या ग्रीन स्क्रीन लेके भाग जाऊंगा मैं? सॉरी भाई लोग, वो थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी, आता हूँ बाद में। हाँ तो अभी हम लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आशीष के साथ। आशीष जी, क्या माहौल है वहाँ? जी तो आप देख सकते हो। आशीष जी, मुझे आपको रोकना होगा, हम आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था। आशीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जूनापुर में एक बिल्ली ने मगरमच्छ को मारा चाटा। बिल्ली से कारण पूछा तो बिल्ली बोली म्याओ। हाँ तो यहाँ का माहौल काफी खराब है। एक मिनट आशीष जी, जामनगर से न्यूज आ रही है। तो मैं क्या यहाँ पे छायाकित चला रहा हूँ? नहीं, लोग यहाँ पे दुकानें चला रहे हैं, मैं उनको जाके बोलता हूँ भाई साहब 10 मिनट बाद जलाना, क्या है ना हमारा एंकर थोड़ा बिजी है। और मैं मजनू, आज की न्यूज है दादर से। तो आज सुबह दादर के एक दुकान में अचानक लग गई आग। हमारे साथ जुड़े हैं दादर से रिपोर्टर परशुराम। हाँ तो परशुराम जी। थैंक यू मजनू जी। तो आप देख सकते हो ये वही दुकान है जहाँ पे आग लगी थी। अनफॉर्चुनेटली किसी की मौत नहीं हुई, फायर फाइटर वाले आ रहे हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं जो मौका वारदात पे मौजूद थे। हाँ तो बताइए आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? हम शॉपिंग कर रहे थे, पता नहीं कैसे अचानक से शॉप में आग लग गई, मैं तो बहुत डर गई थी। जी मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों इस हादसे में सुरक्षित निकल गए। एक मिनट, ये आपका पति है? जी। इसका मतलब आपने एक दूसरे से शादी की है? जी। कोई शक? जी नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे इस करोड़पति और उनकी वाइफ की जान बाल बाल बच गई। अरे नहीं नहीं, मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो काम पे भी नहीं जाता, घर पे रहता हूँ पूरा टाइम। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जॉब नहीं है तो क्या हुआ, ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? परशुराम जी, क्या आप पता लगा सकते हैं ये आग कैसे लगी? और वो बंदे से पूछना कि आपके पिताजी की कोई सोने की खदान तो नहीं है? जी खदान तो नहीं है, लेकिन हादसे के वक्त शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, पता नहीं। शॉर्ट सर्किट तो मेरे भेजे का हो रहा है। मैं नाम भूल गया सर आपका, नाम क्या है? जी चंपकलाल माकड़तोंडे। आपका नाम चंपकलाल माकड़तोंडे? जी आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। और आपका नाम क्या है मिस? इसाबेला। इसका मतलब आपका नाम है इसाबेला चंपकलाल माकड़तोंडे। सर मैं थोड़ा नारियल पानी पी लेता हूँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं मेरे को, आप संभाल लो। थोड़ा वियर्ड नाम है, नहीं पता नहीं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्स फायर ऑफिसर गणपत जी। तो गणपत जी, आपको क्या लगता है ये हादसा होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अजी मुझे लगता है इन दोनों के माँ बाप ने
इनकी शादी बचपन में ही कर दी होगी, इसलिए बेचारी फंस गई। ऑफिसर, मैं दुकान में लगी आग की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो तो पक्का शॉर्ट सर्किट होगा। परशुराम जी, वहाँ पे किसी को चोट तो नहीं आई? जी मैडम, बचपन में आपको दिमाग पे चोट तो नहीं आई थी जो आपने इससे शादी कर ली? व्हाट रबिश। नहीं, वो एनडीटीवी पे मिलेगा, हमारा टीएनटी टीवी। चलो यहाँ से। तो सुरीली जी। जी परशुराम जी। आपको ये जली हुई दुकान दिख रही है? शायद हमारे रिपोर्टर को आग लगने का कारण पता चल गया है। जी परशुराम जी, दिख रही है दुकान? हाँ, उसके बगल में ये नारियल पानी वाले का ठेला दिख रहा है? कोई बड़ी न्यूज है शायद। दिख रहा है परशुराम जी? इस पे जूम करो तो आपको QR कोड दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, इस पे 40 रुपए भेज देना। नारियल पानी पिया था लेकिन कैश नहीं है मेरे पास। नमस्कार, मैं पिंटू लाल। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं रिपोर्टर चमन पांडे। हाँ तो चमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पिंटू जी, आपकी आवाज आ रही है। शायद चमन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तब तक हम परिमल जी से बात करते हैं। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अरे अरे, परिमल के पास क्या रखा है? हाँ तो परिमल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? परिमल जी। जी आपकी आवाज आ रही है। शायद परिमल से भी संपर्क टूट गया है। अरे नहीं आ रही है आपकी आवाज। तब तक हम चंपक के पास जाएंगे। अबे चंपक के पास क्या रखा है? हाँ तो चंपक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चंपक जी, चंपक जी। जी आ रही है आपकी आवाज। लगता है नेटवर्क का इशू है। अरे आ रही है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है। चमन से हमारा वापस संपर्क हो चुका है। चमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चमन जी। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, वो डिले होता रहता है। लगता है चमन से फिर से संपर्क टूट गया, परिमल से कनेक्शन मिला है। परिमल जी। अरे संपर्क नहीं टूटा, किस गधे को बिठाया बे? परिमल बाप लगता है क्या तेरा? One hour later. जी चंपक से संपर्क हो चुका है। चंपक जी। चंपक को चढ़ा ले अपने ऊपर, भोसड़ी के एक बार मिल, डॉटेड कॉन्डम से मारूंगा। तो आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, और समाचारों के लिए बने रहिए हमारे चैनल टीटी न्यूज पे। नमस्कार। अबे ये चाय किस बहन के ने बनाई बे? शक्कर तोहार बाप डालेगा, कल दिख गए तो यही पटक के ये तोहार माँ का। चलिए इन बच्चों से बात करते हैं। तो बताइए आपके एग्जाम कैसे गए? एकदम मक्खन। अच्छा, न्यूटन का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन। अच्छा, तो उनके बाप का नाम प्रोटॉन है? जी बिल्कुल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? जी गुरुत्वाकर्षण की खोज बाबा रामदेव ने की थी। अच्छा, आपको हिस्ट्री आती है? जी बिल्कुल आती है। हिटलर कौन था? हिटलर हमारे देश के एक महान स्वतंत्र सैनिक थे, उन्होंने सभी जातियों को समान माना, कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा, और वर्ल्ड वॉर टू किसके वजह से हुआ? जी पंडित नेहरू जी के वजह से। ये आपने कहाँ सुना? जी आपका ही न्यूज चैनल बता रहा था परसों। चलो दूसरे स्टूडेंट के पास जाते। हे गाइस, तो आपको ये वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।